इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको फेसबुक पर इस तरीके से लिखा हुआ आता है यू रिमूव इट समथिंग यू पोस्ट वी रिमूव इट पोस्ट ब्लो बिकॉज इट डज नॉट फॉलो फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो मे बी ये क्यों रिमूव कर दी गई आपकी जो कंटेंट है उसको, ये मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको क्या करना चाहिए इसके बाद ये भी आपको बताऊंगा, तो ध्यान से आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आपको अगर इस तरीके से आता है इशू तो 99% चांस है बिल्कुल इसी तरीके से, वरना अगर आपको इस अलग तरीके से आता तो मे बी मिस्टेक्स का जो है एक फॉर्म आ जाता अपील करने के लिए, बट वो भी अगर आपको नहीं दिखता है तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आता क्यों है और यही हमारा पर्पस है। तो जब आप एक कंटेंट को डालते हैं, चाहे वीडियो हो, चाहे पोस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे समथिंग कुछ भी हो, लिखावट हो, कुछ भी हो, तो वो कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। लाइक किसी को हेटफुल ना हो, न्यूडिटी बिल्कुल ना हो और हेटफुल स्पीच ना हो, या ऐसे कुछ इस तरीके तत्व ना हो जो कि मारपीट, गोली, खून वगैरह इन तरीके से मैच करते हो, मतलब ये जो कम्युनिटी होती है बिल्कुल उसके फेवर में आना चाहिए। अब बहुत सारे रूल्स हो जाएंगे, वो फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स भी देती है कि आप कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स पढ़ लीजिए पहले और उसके बाद यहाँ पर चेक करिएगा। अगर ऐसा इशू नहीं आता है तो आप अपील कर सकते हैं, अपील करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा अलग से कि आप अपील कैसे कर सकते हैं, एक फॉर्म भी मिल जाता है इसके नीचे से, आप इजीली फॉर्म को भर के अपना जो है अपना ओपिनियन दे सकते हैं, तो इस वजह से ही यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया हो कि रिमूव क्यों हुई है ये, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।